हंडिया मोहल्ला कालका का तंग पुल अब 10 फुट चौड़ा होगा। इसका डिज़ाइन जल्द तैयार होगा, लोगों को मिलेगी सहूलियत। सर छोटू राम यूनिवर्सिटी मुरथल के प्रोफेसर ने किया निरीक्षण। कालका शहर वार्ड नंबर 1 के हंडिया मोहल्ले का लोहे का तंग पुल अब जल्द ही 10 फुट चौड़ा कर दिया जाएगा, जबकि यह तंग पुल पहले मात्र 4 फुट का था, जिस कारण आने जाने वाले लोगों को पुल से गुजरने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। रविवार की दोपहर को सर छोटू राम यूनिवर्सिटी मुरथल से प्रोफेसर प्रवीण गर्ग ने नगर परिषद विभाग कालका के कनिष्ठ अभियंता सुभाष अन्य अधिकारियों के साथ हंडिया मोहल्ले के पुल का निरीक्षण किया और इस पुराने पुल का आधुनिक ढंग से डिज़ाइन तैयार करने के लिए और 1 हफ्ते के भीतर इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। यहाँ पर प्रसिद्ध समाजसेवी टिंकू शर्मा, स्तारचंद और भारत भूषण भी मौके पर पहुँचे। स्तारचंद ने बताया कि इस संबंध में उनकी ओर से कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी लिखित शिकायत दी थी ताकि पुल बनने से कई कॉलोनियों के लोगों को राहत मिल सके। अब जल्द ही इसका डिज़ाइन तैयार कर इसकी रिपोर्ट नगर परिषद कालका को सौंपी जाएगी और जल्द ही यहाँ 10 फुट चौड़ा पुल तैयार किया जाएगा। इसके पुल की एप्लीकेशन कई बार हमने दी है, कई बार इसका मुद्दा उठाया, सेम विंडो तक भी हमने एप्लीकेशन पहुंचाई और कई बार देखने के लिए भी आए, नगर परिषद के अधिकारी आए, उन्होंने अब बहुत जल्दी काम शुरू करने का आश्वासन दिया। पुल है, इससे हमारे इलाके का आना जाना रहता है और ये पुल जो था वो बहुत वर्षों से ऐसे ही जर्जर हालत में पड़ा था। इसके लिए भूषण जी, सितार जी, हमने कई बारी वहाँ नगर परिषद कार्यालय, पहले नगर निगम था, नगर निगम में दिया, नगर परिषद कार्यालय में दिया और वो आते थे, मौका देखते थे। इससे पहले इसको रिपेयर कर दिया गया था, परंतु अब 2 फरवरी 3 फरवरी को हमने दोबारा पत्रकारिता के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया था। अब उन्होंने हमें कहा था कि हमने इसकी देवी दयाल इंस्टीट्यूट में ड्राइंग बनाई है, परंतु आज मौका देखने पर पता लगा कि दोबारा ये ड्राइंग बनाएंगे और इसे जो 4 फुट है अब इसे 10 फुट करने का प्रोसीजर चल रहा है और कह रहे हैं कि जल्दी इसका हल हो जाएगा। इसका हल होने से आम जनता को बहुत फायदा पहुँचेगा और इसके लिए हम प्रशासन का और पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुरथल से डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी आए थे जो कि इसके चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने इस पुल का सर्वे किया और उन्होंने इसको और हमने उनके आगे डिमांड रखी इस पुल को कम से कम 10 फुट चौड़ा किया जाए। उन्होंने हमारे इस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, पब्लिक की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हमारे इस डिमांड को समझा कि वाक्य में पुल 10 फुट होना चाहिए, क्योंकि आज ये पुल 3 फुट है, आते जाते आपस में लोग टकराते हैं, स्कूटर जाना बड़ा मुश्किल लगता था। इसलिए आज हमने उन सबसे रिक्वेस्ट करी कि इस पुल को कम से कम 10 फुट चौड़ा किया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पुल को बहुत जल्दी चौड़ा कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अरे जो पुल है ना यहाँ पे बना हुआ बहुत पुराना, इसमें एक चीज़ चौड़ाई बहुत कम है इसकी, ठीक है, और फुटफॉल ज़्यादा है, यहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं, तो एक आदमी जब गुजरता है दूसरा साथ साथ 15 रुपये निकलता था। तो इस पुल को चौड़ा करना है अपने को और इसका स्लोप ठीक करना है इसको, ताकि लोगों को आने जाने में ईजी रहे और उनको सुविधा रहे। मंजूरी मिल चुकी सर? मंजूरी इसकी परमिशन आ चुकी है। कितने में तैयार होगा सर ये लागत? ये अभी इसका वर्कआउट करेंगे, इसका एस्टीमेट बनाएंगे, इसे अभी डिज़ाइन करेंगे, तो 1 हफ्ते में इसका हम जो है इसका एस्टीमेट सबमिट कर लेंगे। तो कितने का चौड़ा हो सकता है सर ये? 10 फुट के करीब। हाँ, 4 फुट पहले है ये, 6 फुट से और चौड़ा। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा सर लोगों को? इससे बेनिफिट लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी।